Welcome to Brain Cafe Coaching Academy, everybody. Again, I am here with the new video for class 10th. Okay, we are going to start with the topic number 2 of life processes. And keeping in mind your doubt session, we are here with the doubt which was asked in comment session. Many of the students have asked this doubt in the last video about the metabolism. Okay, children, discussing about metabolism. Metabolism means the sum total, है ना, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो आपके बॉडी में चल रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ सस्टेन्ड है, उन सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म. नाउ कीपिंग इन माइंड दैट मेटाबॉलिज्म, नाउ दिस मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म मतलब इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक कुछ बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना. जैसे CO2 और H2O लेके हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया. And this is what we do in photosynthesis. So keeping in mind this project or this thing, the process of synthesizing something, है ना, जिसमें हम एनर्जी यूटिलाइज करके कुछ बनाते हैं, उन्हें हम कहेंगे एनाबॉलिज्म. और दूसरी जगह कैटाबॉलिज्म, जिसमें हम एक बड़े मॉलिक्यूल को डिग्रेड करके छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं या एनर्जी बनाते हैं. एग्जाम्पल इसका हमने दिया था रेस्पिरेशन, राइट. ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू CO2 एंड H2O. And this is what we are going to discuss in the point called as catabolism, right? So sum total of anabolism and catabolism is metabolism. Hope so this is clear now. Okay, if any other problem, please tell. Now, second topic of the chapter is about nutrition. Kya hai chapter ka second topic? Nutrition. हमने बोला था कि एक life process है. So life process, nutrition क्या होता है? Nutrition is nothing but a process. सिंपल भाषा में समझा वो तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उस खाने का उपयोग करता है, उस खाने को यूटिलाइज करता है. एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. बेसिकली हम बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस. हम खाना खाते हैं और उसको अलग अलग लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन मार्क. अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है कि सर हम खाना क्यों खाते हैं? तो सिंपल सी भाषा में एनर्जी के लिए. बट हम एनर्जी बनाएंगे कैसे, हमको एनर्जी मिलेगी कहां से? तो न्यूट्रिशन इज नथिंग बट यू हैव अंडरस्टूड क्या होता है न्यूट्रिशन? प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं. सो न्यूट्रिशन, और जो सब्सटेंसेस हमें न्यूट्रिशन देते हैं उन्हें हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स किसमें प्रेजेंट होता है? फूड में. तो नथिंग, न्यूट्रिएंट्स को अगर हमें बताना है तो हम क्या बताएंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. व्हाट आर न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ, मतलब फूड के अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे के सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स. और यही अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यही अपने बॉडी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम न्यूट्रिशन को डिफाइन कैसे किया, समझ में आया? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग फॉर अदर लाइफ processes. So nutrition, we get nutrition from nutrients. Now broadly, nutrients are divided into two parts. First, macronutrients. Second, micronutrients. See, macro and micro. Understand these two terminologies. You will be clear with what I want to tell. Now, see children, macronutrients. ये जो nutrients है, macro का मतलब होता है large. मतलब ये न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो अपने बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए. एग्जांपल मींस द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इज टर्म्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स. ये तीनों न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी में लार्ज अमाउंट में चाहिए. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ टॉकिंग अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रो को याद रखना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो मतलब ये न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो अपने को वेरी लेस अमाउंट में चाहिए, बट अपने बॉडी को चाहिए, है ना, चाहिए जरूर. इसलिए ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपने बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए. इसका बेस्ट एग्जांपल जो अगर लेना जाए तो होंगे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मिलता किससे है? न्यूट्रिएंट्स से. न्यूट्रिएंट दो टाइप के, मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, माइक्रो इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट. मैक्रो का एग्जांपल दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स. माइक्रो का एग्जांपल दिया मिनरल्स एंड विटामिन्स. होप सो दिस इज क्लियर. नाउ डिस्कसिंग अबाउट मिनरल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, इट कम्स टू द पॉइंट दैट न्यूट्रिशन का हम क्लासिफिकेशन करें, है ना. अब समझने की बात यह है न्यूट्रिशन समझ में आएगा सबको क्या प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनपुट एंड यूटिलाइजिंग फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस. ओके नाउ ऑर्गेनिज्म डू न्यूट्रिशन इन टू मेजर वेज. फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब खुद ब खुद, है ना, खुद ही खाना बनाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिक मैटर. नाउ सी चिल्ड्रन ऑटोट्रॉपिक दे यूटिलाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. क्या करेंगे ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके खाना बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूटिलाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करके क्या करे अपना खाना खुद बनाए, उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जो ये करता है, उसे कहेंगे ऑटोट्रॉप्स. समझिए ऑटोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉप्स दोनों में डिफरेंस है. ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक एक मोड है, प्रोसेस है, और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड को फॉलो करता है उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स. वैसे ही हेटरोट्रॉपिक मोड ये भी एक प्रोसेस है, बट जो ऑर्गेनिज्म इसको यूज करता है उसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉप्स. इतना समझ में आया. नाउ सी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब ये दो तरीके से अपना खाना खुद बनाएंगे, पहला फोटोसिंथेटिक, दूसरा कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों में क्या फर्क है. फोटोसिंथेटिक सी फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, फोटो मींस लाइट. मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेटिक वाले कौन से होंगे, वो होंगे जो बेसिकली लाइट को यूज करके अपना खाना बनाए. क्या करते, लाइट को यूज करते, उन्हें हम क्या बोलेंगे फोटोसिंथेटिक. दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच यूज लाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेटिक. और दूसरा कौन सा है कीमोसिंथेटिक, मींस ये क्या यूज करेंगे केमिकल, केमिकल को यूज, खाना खुद ही बना रहे हैं, रखना ये चीज खाना खुद ही बनाना है, न्यूट्रिशन खुद ही कर रहे हैं, बट इसका यूज करके करेंगे यूज ऑफ लाइट तो फोटोसिंथेटिक, यूज किया केमिकल तो कीमोसिंथेटिक. तो एग्जांपल क्या है आलगी और प्लांट्स, प्लांट्स यू नो दे आर फोटोसिंथेटिक. ऑन द अदर हैंड कीमोसिंथेटिक इज नथिंग बट द ये यूज केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. एग्जाम्पल इसका है माइक्रोबैक्टर, बैक्टीरिया एंड फ्रैंकिया. रिमेंबर दीज आर साइंटिफिक नेम्स. तो इसको अपने को क्या करना है, पहला लेटर कैपिटल और अंडरलाइन करना है. ये साइंटिफिक नोटेशन कार्लस लीनियस का अपमान नहीं करना है. कार्लस लीनियस ने इतनी मेहनत की है तो उसका थोड़ा सम्मान करेगा ना. साइंटिफिक नेम को कभी भी ध्यान रखें, लिखते समय पहला लेटर कैपिटल लिखिए और उसको अंडरलाइन करना भूलेंगे, ठीक है. माइक्रोबैक्टर, बैक्टीरिया एंड फ्रैंकिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. नाउ अब हेटरोट्रॉपिक की बात करते क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. तो हेटरोट्रॉपिक में चार मेन पार्ट पढ़ने वाले हैं, सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, सिंबायोटिक एंड होलोजोइक. ओके सो वी विल स्टॉप हियर नाउ. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अगली वीडियो में देखेंगे. And hope so this will be clear to everybody. I will discuss this very important topic in the next session because it will take a bit notes to be written on that topic. So we will discuss that in that next lecture. So till then, goodbye. Have a nice day. Very good. Best of luck.